तेलंगाना में टीआरएस पार्टी बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए एक हाथ हुकूमत बना रही है। तेलंगाना में केसीआर फिर से बनेंगे चीफ मिनिस्टर ऑफ तेलंगाना। ईजे न्यूज में आपका इस्तकबाल है। तेलंगाना में टीआरएस पार्टी के कामों को देखते हुए तेलंगाना की अवाम ने फिर से टीआरएस को इख्तदार सौंपा है, जिसके चलते जुकल कॉन्स्टिट्यूएंसी में टीआरएस के माजी एमएलए हनुमंत शिंदे फिर से एक बार एमएलए बन गए हैं। एमएलए हनुमंत शिंदे का ये तीसरा टर्म है और इस बार एमएलए हनुमंत शिंदे ने रिकॉर्ड तोड़ 77,584 वोट हासिल करते हुए 35,625 की लीड से कामयाबी हासिल की है। उनके बरअक्स कांग्रेस के गंगाराम सौदागर ने 41,959 वोट हासिल किए, जबकि बीजेपी की उम्मीदवार अरुणा तारा ने 18,840 वोट हासिल करते हुए तीसरे नंबर पर हैं। तेलंगाना मुख्यमंत्री वाला अति मेजर तो गेलवडम जरुगुतुंदी। अदे विधंगा मा नियोजकवर्गम जूकल नियोजकवर्गमैन मा हनुमंत शिंदे गारु చాలా మెజార్టీ తో జీతడం జరిగింది. కనుక మేము గ్రామ ప్రజలందరము మా హనుమాన్ మందిర్ వద్దకు వెళ్ళి వెంకాయ వలగొట్టి అదే విధంగా అందరికీ మా గ్రామ ప్రజలు హనుమాన్ సింధ్య గారికి శుభాకాంక్షలు తెలియజేస్తున్నారు. అందుకని మా మేము గ్రామం నుంచి మా సర్పంచ్ గారు నిజాముద్దీన్ పటేల్ గారు, రామా సార్ గారు, మాధవ్ సార్ గారు, అదే ఎంపీటీసీ మాధవ్ సార్ గారు, అదే విధంగా పోచన్న మనంటే దసరా సార్, ప్రతి ఊరు గ్రామ పెద్దలందరూ కలిసి అందరు చాలా కష్టపడ్డారు. కనుక అతి మెజార్టీతో మా మేను గ్రామం నుండి సారికి ఓటు వేయడం జరిగింది. కనుక మా గ్రామం నుంచి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. इस मौके पर एमएलए हनुमंत शिंदे के कांधे से कांधा मिलाकर काम करने वाले जुकल कॉन्स्टिट्यूएंसी के टीआरएस के सीनियर कायद जनाब असद अली साहब ने ईजे टीवी से बात करते हुए अवाम का शुक्रिया अदा किया। तो सबसे पहले तेलंगाना की शुक्रिया अदा करता हूँ, जो दूसरी बार केसीआर साहब को और जुकल कॉन्स्टिट्यूएंसी से हनुमंत शिंदे साहब को इख्तदार में लाए। और सबसे बड़ी बात तो ये है, आज हम तकरीबन 50 साल से देख रहे हैं तेलंगाना के ही मुसलमान नहीं बल्कि सारे हिंदुस्तान के मुसलमानों को सिर्फ एक वोट बैंक के लिए यूज़ किया गया। लेकिन केसीआर साहब जब पहली मरतबा इख्तदार में आए, 4.25 साल की हुकूमत किए, उसके बाद जो मुसलमानों के हमदर्द बन गए थे भी और बन भी गए, और जो इस्तेमाल करें और जो स्कूल खुले हैं, जो बैरूनी ममालिक को जाने वाले बच्चों के लिए इमदाद कर रहे हैं, ऐसे कई स्कीम्स है खास करके मुसलमान माइनॉरिटी मुस्लिम्स के लिए। और उसी को मद्देनजर रखते हुए ये दूसरी बार इलेक्शन में तेलंगाना के 40 से 50 लाख मुसलमान वोटर्स पूरे 100% वोट टीआरएस के हक में जाते, और मैं इस टीवी के जरिए, इस चैनल के जरिए मैं उनको शुक्रिया अदा करता हूँ, सारी तेलंगाना के मुसलमान आवाम को खास कर। और जो जुकल कॉन्स्टिट्यूंसी में हनुमंत शिंदे साहब भी इस 4.25 साल के पीरियड में मुसलमानों के तरक्यात के काम बेहतरीन नमूने से किया गया है। उसमें से माइनॉरिटी स्कूल, रेजिडेंशियल स्कूल है यहाँ पर क़ायम किया गया, और शादी मुबारक की स्कीम है, और बैरूनी ममालिक के बच्चे जाने वाले उनको स्कीम सेंक्शन करवाया है, और जो रैतु बंधु पदकम में है कोई ज़ात पात का उसमें नाम नहीं है, और सारे हमारे 2.5-3 करोड़ तेलंगाना के अवाम इस रैतु बंधु पदकम को बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया, और सबको उसको 8,000 हर एक करोड़ को इंशाल्लाह उन लोगों को मिल चुके हैं। और उसी को वो एक स्कीम को मद्देनजर रखते हुए टीआरएस हुकूमत को दूसरी बार इख्तदार में लाने का बहुत बड़ी कोशिश करे हैं हमारे भाई, खास करके हमारे मुस्लिम भाई। और इस इलेक्शन में मैं गौर किया हूँ, तकरीबन जुकल कॉन्स्टिट्यूंसी के सारे इलाके 180 इलाके में घुमा हूँ, शिंदे साहब ने मुझे जिम्मेदारी दी थी, और कहाँ भी जाओ खास करके मुसलमान भाई यही कह रहे थे, असद भाई हमको कोई बोलने की ज़रूरत ही नहीं है,
जो पहला सीएम है इस हिंदुस्तान में जो इतने बेहतरीन तरीके के मुसलमानों के लिए जो काम किया है, और हम 100% हमारा वोट हमारा ही नहीं बल्कि हमारे अफराद खानदान के सबके वोट हम केसीआर साहब को डालेंगे और शिंदे साहब के बेहतरीन मेजॉरिटी से यहाँ पर जिताकर हम वहाँ पर दूसरी बार सीएम साहब केसीआर साहब को बनाने का हम तो वादा कर रहे हैं बोलकर वो मुझे बोले। और बहुत बड़ी बात है, गुज़श्ता 4 साल पहले 35,000 वोट से शिंदे साहब को जिताया था जुकल कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाम ने, अब के 40,000 मेजॉरिटी से जिताया है। इंशाल्लाह हम तो अल्लाह से उम्मीद रखते हैं और सीएम साहब पर भी बहुत ही भरोसा और उम्मीद है। इस दूसरी बार हुकूमत में हमारे भाई साहब शिंदे साहब को अगर काबिला में ले लिए तो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि ये पिछड़ा इलाका है। अगर वैसा हुआ हम सारे जुकल कॉन्स्टिट्यूंसी के आवाम सीएम केसीआर साहब के शुक्रगुजार तो है ही है, और ज़्यादा हम सब लोग दिल छुल कर और इस जुकल कॉन्स्टिट्यूंसी को शिंदे साहब को खंदा खंदा मिलाकर हम लोग तरक्की आपके काम करेंगे इंशाल्लाह आने वाले दिनों में भी। सारा जब तक भी इस दुनिया है, जब तक भी ता क़यामत तक इंशाल्लाह हम सब लोग सारे तेलंगाना की आवाम मुसलमान आवाम टीआरएस के साथ ही रहेंगे इंशाल्लाह। खास कर ईजे न्यूज़ चैनल से मैं देख रहा हूँ तकरीबन 3.5 घंटे से जब भी टीआरएस की बॉडी रिजॉल्व हुई वहाँ से आज तक इलेक्शन हुए तक और जीते तक बेहतरीन उनका टाउन रहा, और मैं तहे दिल से ईजे न्यूज़ चैनल का मैं शुक्रगुजार हूँ, ममनून हूँ। इंशाल्लाह आगे भी यही उम्मीद रखता हूँ ईजे न्यूज़ के चैनल के डायरेक्टर साहब को, मैनेजर साहब को भी मेरी तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जय तेलंगाना, जय जय तेलंगाना।